हेलो एवरीवन, मैं कपिल चौहान स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस पर। हम जो बात करेंगे आज जो एसएससी जेई का नॉन टेक का जो सिलेबस है उसके बारे में। मैंने इससे पहले वीडियो आपको टेक्निकल की बताई थी और मैंने आपसे कहा भी था कि एसएससी जेई का जो नॉन टेक का सिलेबस है, आप लोगों ने भी कहा था कि सर नॉन टेक के ऊपर बता दीजिए। तो आज की जो वीडियो है केवल नॉन टेक की है कि नॉन टेक में हम मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के अनुसार नॉन टेक का सिलेबस तो बहुत वास्ट है। जैसे मैं बात करूँ जी के जी एस, ये इतनी जी के जी एस इतनी है कि अगर आप इसमें से 50 में से 30 क्वेश्चन भी लाते हो ना तो समझो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैंने जो फर्स्ट टाइम जो एस एस सी जी दिया था 2022 वाला मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एस एस सी जी का और इसमें मेरे 35 मार्क्स थे जी के जी एस में। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग मेरे 43 थे। तो मैं आगे बात करता हूं अपने सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले ये चीज मैंने पहली वीडियो में बता दी थी आपको, रीजनिंग के जो हैं आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जो पेपर फर्स्ट, दो पेपर होंगे एस एस सी में, पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट जो होगा केवल एम सी क्यू वाला होगा, सॉरी, और पेपर सेकंड जो होगा वो मेंस होगा जिसमें आपको लिखना होगा। मेंस जो होगा ये केवल टेक्निकल ही टेक्निकल होगा सिविल इंजीनियरिंग का, और जो ये पेपर फर्स्ट होगा एमसीक्यू वाला, इसमें दो पार्ट होंगे, एक तो टेक्निकल होगा और एक नॉन टेक्निकल होगा। अब टेक्निकल भी आपका 50% होगा और नॉन टेक्निकल भी आपका 50% होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन टेक्निकल कहेंगे, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल कहेंगे। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि हमको दोनों को बराबर टाइम देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको टेक्निकल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग, मैं कह रहा हूँ 50 में से कम 45 नंबर तक ला सकते हो, लाए हुए हैं, 43 तो मेरे ही हैं, 40 प्लस नंबर आपके आने चाहिए रीजनिंग के अंदर, 40 से 45 के बीच नंबर लाइए, आराम से आ जाएंगे। और इसमें 25 से 30 नंबर भी बहुत अच्छे नंबर होते हैं, बताऊंगा मुझे कैसे, मैं भी बताऊंगा आपको कैसे पढ़नी जनरल अवेयरनेस के बारे में और टेक्निकल के सिलेबस के बारे में। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था और जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके चैनल पर देख ले, और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे और ड्यूरेशन और टाइम जो होगा आपका वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। जितने भी बच्चे पेपर देने जाएंगे लगभग 60-70% बच्चों पे पूरा पेपर आता है, लेकिन हर किसी पे टाइम मैनेज करना नहीं आता कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन को कैसे डील करें, जिसमें रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट और अपने टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल जैसे होते हैं उसमें। तो अगर आप कहेंगे तो मैं यही बता दूंगा कौन से सब्जेक्ट कैसे डील करने हैं, 2 घंटे के अंदर 200 मार्क आराम से 200 नंबर को टच कर सकते हो, यानी कि पूरा पेपर देख सकते हो। और अब हम आगे चलते हैं अपने टेक्निकल की तरफ, नॉन टेक की मैं बात करूंगा। एक सेकंड, पीपीटी चेंज करता हूँ, ये पीपीटी टेक्निकल की लग गई है। पीपीटी मैंने देखी थी, पीपीटी बनाई तो थी बट मिली नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको हाथ से लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताइए कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, इन सभी की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा मैं हिस्ट्री की कि हिस्ट्री से हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं और किस ईयर में कितने हमारे क्वेश्चन बने हैं और कौन कौन से किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह की बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2017 से मैं स्टार्ट करता हूं, ऊपर लिख देते हैं, जैसे 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे पी वाई क्यू के, और 2018, 2019 और 2020, 21 में पेपर हुआ नहीं था आपका, 2022, ये मैं डाटा लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए थे आपके,
चलो हाँ से लिख देता हूँ, दूसरी पीपीटी क्या बनाएंगे, वीडियो बना देते, समझ में आना चाहिए बस। हिस्ट्री की बात करूँ तो 2017 में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 2018 में 5 आते हैं, 19 में 5 आते हैं, लेकिन 20 में 6 और 2022 में भी 6 क्वेश्चन आपके आते हैं। यानी कि अगर मैं एवरेज की बात करूँ, यहाँ पे मैं एवरेज लिख देता हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में आने आने, नॉन टेक का हमारा सिलेबस है। हिस्ट्री के बाद मैं बात करूंगा पॉलिटी की। पॉलिटी में जो 2017 में क्वेश्चन आए थे वो भी यही रीज चला था हमारा 5, 18 में भी 5 का आया था, और 2019 में 6 नंबर का आता है, 5 फिर 6 नंबर का। यानी कि अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो 5 से 6 नंबर की मेरी पॉलिटी आती है। फिर बात करता हूं जियोग्राफी की। जियोग्राफी थोड़ा हिस्ट्री और पॉलिटी से ज़्यादा नंबर लेती है, जैसे 2017 में 7 नंबर की आती है, 2018 में 9 नंबर की, 2019 में 9 नंबर की, 2020 में 11 नंबर की, और 2022 में थोड़ी सी घट के 7 नंबर की। यहाँ से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 9 से 10 क्वेश्चन हमारे जियोग्राफी में बनने बनने हैं। जियोग्राफी के बाद अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स की मैं बात करता हूँ। इकोनॉमिक्स में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं बात करूं तो 2017 में 4 नंबर का ही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बने थे बस, और 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं बना था, 2019 में 2 क्वेश्चन बनते हैं, और 2020 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं बना, और 2022 में जाके 2 क्वेश्चन। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स का बनता है। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों की मैं बात करता हूँ। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ चलो सेपरेट बात कर देता हूँ, 5 क्वेश्चन आते हैं 2017 में, और 4 क्वेश्चन आते हैं 2018 में, और 2019 में 3 आते हैं, 20 में भी 3 आते हैं, और 22 में जाके हमारे आ जाते हैं 5 क्वेश्चन। यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन फिजिक्स में आ जाते हैं हमारे। बायोलॉजी की, सॉरी केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन आए थे हमारे 2017 में, 5 आते हैं 2018 में, 4 क्वेश्चन हमारे 2019 में, लेकिन 2020 में घट के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, और फिर बढ़ते हैं 2022 में और 4 हो जाते हैं। यानी कि 4 से 5 नंबर का हमारा बायोलॉजी हो जाती है, सॉरी केमिस्ट्री। अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ तो बायोलॉजी इनसे थोड़ी बढ़ के होती है, इसे 8 नंबर की आती है हमारे 2017 में, 7 नंबर की 2018 में, 2019 में 8 नंबर की आती है, 5 नंबर की 2020 में आती है, और 2022 में आती है 6 नंबर की। यानी कि 5 से 6 नंबर की हमारी बायोलॉजी हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय चलता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो 2017 में 10 नंबर की आई थी, 18 में जो आई थी 13 नंबर की आई थी, 19 में 14 नंबर की आई थी, और 20 में 15 की, और 22 में 15 की। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज देखनी है कि यहाँ पे केवल और केवल करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको करंट अफेयर्स दिख रही है, 10, 13, 14, 15, 15, यानी कि ये इंक्रीज होती गई है, और इसका मतलब ये है कि 2023 में 15 से 16 क्वेश्चन करंट के बनेंगे, 15 से 16 क्वेश्चन ये बनने बनने हैं। ये प्रीवियस ईयर का डाटा था हमारे पास। अब यहाँ मुझे क्या पढ़ना है, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे मुझे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, 15 से 20 के बीच में बनने बनने हैं ये। करंट भी कम से कम 15+ नंबर की होती है, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, कम से कम 25 से 30 नंबर यही ले आएंगे आपके 50 में से। और मैंने कहा था 50 में से 30 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, यहीं से हो जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री, अब पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये भी 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमिक्स को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को ये नहीं करना कि किसी राइटर की बुक उठानी हिस्ट्री की और वो पढ़ दी, फिर पॉलिटी उठानी और वो पढ़ी। आपके पास अक्टूबर में एसएससी जेई ने जो अपना कैलेंडर दिया, अक्टूबर में पेपर है, आपके पास केवल 2 से 2.5 महीने बचा है ठीक से, बाकी लास्ट टाइम में आप केवल मॉक देंगे तो 2 महीने मान के चलो, आप 2 से 2.5 महीना आपके पास बचा हुआ है। अब इसमें आप इनको डिटेल में पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते पूरे सिलेबस को। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले
यही मैं बता देता हूं, आप लोगों को ये इसमें कॉपी में लिख लेना इसको एक में, और मैं थोड़ा इसको एक साफ कर देता हूँ ताकि आपको मैं एक आइडिया दे दूँ इस चीज़ का। इसको कॉपी में उतार लेना, जिसने नहीं उतारा हो साथ के साथ वीडियो को पॉज करना, बैक करके उतार लेना उसको। सबसे पहले आपको एसएससी जेई के कोई पीवाईक्यू की बुक लेनी है, और जितने भी जीके जीएस रीजन, देखो ये तो पीवाईक्यू तो एसएससी जेई के सभी लगाने, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक हो, आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। उसके बाद में जो एसएससी एग्जाम कराती है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इस तरीके से जो एग्जाम कराती है, और ये फेस 11, 10, 9 ऐसे जो एग्जाम होते हैं, इनके जीके जीएस के पीवाईक्यू ही करना है केवल, और रीजनिंग के। रीजनिंग और जब आप केवल इनके पीवाईक्यू करेंगे तो 30 नंबर आने कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाएंगे, पीवाईक्यू से ही पेपर बनता है मोस्टली, और 40+ नंबर आपके रीजनिंग में आ जाएंगे। अगर आप 30 नंबर जीके जीएस में, 40+ इसमें, यानी 70 नंबर यहाँ से ले आते हो, और जो टेक्निकल आपका 100 नंबर का होगा उसमें से अगर आप 80 नंबर भी ले आते हो, तो आपका प्री, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आपने प्री क्वालिफाई हो गया बस क्वालिफाई करना है मेंस में देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्री प्लस मेंस दोनों के नंबर जुड़ के ही आपका कट ऑफ बनती है, जैसे प्री हो गया 200 नंबर का, मेंस होगा आपका 300 नंबर का, जो भी आपके नंबर होंगे 500 में से होंगे। तो आपको प्री पे भी पूरा फोकस देना है और मेंस पे भी पूरा फोकस देना है। तो ये जो वीडियो थी आपकी नॉन टेक की थी, अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप बता देना, मैंने आपको बता दिया था। 1-2 दिन में हम क्लास स्टार्ट करेंगे, एसएससी, एनएचपीसी और डीडीए, इनके जो पीवाईक्यू है उनको मिक्स लाएं या चैप्टर वाइज लाएं, ये आप कमेंट करके बता देना। बस आपको कमेंट करनी है, यानी कि आप लोग को कमेंट करके बस ये बताना है कि जो एमसीक्यू के पीवाईक्यू जो आएंगे आपके, वो चैप्टर वाइज लेके आए या फिर मिक्स लेके आए, ये आप कमेंट में बता देना। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।